ग्रोथ थोड़ी कम है, मतलब टेंशन हो जाता है ना आपको, प्रोटीन पाउडर पियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। आप लोग की बहुत अच्छी अच्छी विशेज आती रहती हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज जैसा कि आपने मेरा टॉपिक देखा है, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि मेरे व्लॉग में मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स चल रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले रिवील किया था, बताया था कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और मैं एकदम आराम से बैठ गई हूँ, आराम से बैठ के आपसे बात करने के लिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। बस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे अपनी पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो जो टाइम था मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था अपनी जर्नी। उस टाइम मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टा पे, कहीं पे भी मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। हो सकता है वीक में मेरे 2-3 वीडियो चले जाते हों, तो मैं बहुत कोशिश करती थी, बहुत अपने आप को मोटिवेट करती थी कि नहीं मेरे को बनाना है, मेरे को बनाना है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मुझे ये था कि बंद नहीं करना है मुझे। जब मेरी तबीयत ठीक होती थी, मैं जैसी होती थी, मैं उस तरह से वीडियोस बना के डालती रहती थी। लेकिन हाँ, मैंने अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता चल गया था। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते थे कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप ये हैं, आप बताती नहीं हैं, आप झूठी हैं, आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लॉयल नहीं हैं, ऐसे करके मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते रहते थे। सो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने नहीं बताया। बहुत सारे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं और समझते हैं मुझे। सो कोई नहीं, उस बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, अभी मैं वो नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, कैसा था मेरा वो पीरियड जो मैंने फील किया। बहुत सारी लेडीज़ मुझसे यहाँ पे रिलेट करेंगी, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपने ऐसा फील किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये बात है जब मुझे पता चला 15th of January की 2023 में, अभी जनवरी के फर्स्ट मंथ में ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अगेन, वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी उन सब के बाद ही। तो मुझे पता चला, मैंने अपने घर पर ही किट से टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। सो मुझे पता चल गया कि यस, ये पॉजिटिव है। सो ये भी था, मुझे पता था कि डीएनसी के बाद बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया था, डॉक्टर ने भी बताया था, एंड मैंने पढ़ा भी है, मुझे पता था इस बारे में। सो ये था। फिर मैंने जब टेस्ट कर लिया तो ये हुआ कि वर्मा जी ने बोला चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं ऐसा वैसा, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था तो मुझे पता था कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो 6 वीक्स के बाद बहुत अच्छे से सुनाई देती है एंड सही रहता है। तो जब मुझे पता चला वो मेरा 4th वीक था, तो मैंने कहा नहीं, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी दिखाने के लिए। मैंने ये डिसीज़न लिया और मैंने उनको बोला, तो वो भी बोले ठीक है, ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं 6 वीक्स पे गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ऐसा सब कुछ आपके साथ हो चुका है तो बहुत डर रहता है, बहुत कंसर्न रहते हैं आपको। सो मैं भी बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत बहुत लिटरली मेरे मन में बहुत डर था, क्योंकि पहले जो मेरे साथ हुआ था उसको मैं याद नहीं करना चाहती, बट वो कहीं ना कहीं से ओवरऑल आपके माइंड में आ ही जाता है, ये सब बातें करते टाइम तो और भी ज़्यादा। सो ये है था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया मुझे ऐसा ऐसा है, और हार्ट बीट चेक करी तो भगवान की दया से सब ठीक था, हो गया। डॉक्टर ने मेरे को सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी डॉक्टर्स देते हैं वो दे दिए, सबको दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन वगैरह, वो मुझे उन्होंने लिख दिया। सो वो स्टार्ट हो गया जनवरी में, हाँ ठीक है। तो ये था। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, मतलब
आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो तो है ही है, साथ में आपका मूड स्विंग्स होना, ठीक है। और फिर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्या मुझे चक्कर बहुत आते थे, मतलब मैं खड़ी हूँ और मुझे ऐसे चक्कर आते थे कि मैं गिर जाऊँगी, वहीं गिर जाऊँगी लिटरली, तो मैं बैठ जाती थी। मेरा शुरू का जो ये 3 महीना था, सोते ही सोते निकला है, 3 नहीं, आगे मैं आपको और बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, 1 से 3 महीने के बारे में। तो मैं ये बोलूँगी कि 3 महीने मैं सिर्फ सोई हूँ, बहुत सोई हूँ, मैं अपनी लाइफ में इतना कभी नहीं सोई जितना मैं इन 3 महीनों में सो चुकी हूँ। और मेरे जो टेस्ट था, मेरा खाने का जो टेस्ट था, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, एकदम कड़वा। मैं मेरे को दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो मैं नॉर्मली ब्रश कर रही थी, जनवरी से स्टार्ट हो गया था ये सारा प्रॉब्लम, मैं बार बार ब्रश करती थी, कुछ भी खाती थी, इतना टेस्ट ख़राब था, इतना ज़्यादा टेस्ट ख़राब था कि मैं कुछ, मतलब लगता था खूब तीखा खा लो, मिर्ची, हरी मिर्ची खा लो और इमली खा लो। आज तक मैंने कभी इतनी इमली, आम, कच्चे आम ये सब नहीं खाए जितने कि मैंने स्टार्टिंग में ये सब खा लिया। बहुत तीखा तीखा इमली, नमक लगा के, मिर्च लगा करके खाना, ये सब मैंने किया क्योंकि मेरा टेस्ट बहुत ख़राब था, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था कि लोगों का मन होता है तीखा, चटपटा, मीठा, मेरा कुछ ऐसा मन नहीं होता था। सो मैं ये बताऊँगी आपको। और ये वर्मा जी ऑफिस चले जाते थे 9:30-10 बजे, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फिर मैं सो जाती थी, सो रही हूँ। पीहू की भी उस समय स्कूल था, हाँ पीहू का स्कूल चल रहा था, तो मैं सो जाती थी और खाना खा लिया, नहीं खाया, खाती थी, फिर सो जाती थी। लाइक मैं सोती ही रहती थी सारा दिन, अलार्म लगा के मुझे उठना पड़ता था, पीहू 3:30 बजे आती थी तो मेरे को अलार्म लगाना पड़ता था कि वो आएगी, मेरे को उसको लेने जाना है, सो वो था। तो इस तरह से मैं सोती रहती थी। और फिर ये भी नहीं था कि मैं इतना दिन में इतना सो रही हूँ तो मुझे रात में नींद ना आए, मुझे रात में भी 9:30-9 बजे नींद आ जाती थी, पीहू को सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती थी। तो मतलब इतना ज़्यादा लेजीनेस होना, इतना ज़्यादा आलस, इतना नींद आना, चक्कर आना। और हाँ एक बात और, मेरा बीपी बहुत लो रहता था, मेरा बीपी इतना लो होता था कि लाइक ऊपर का 58 एंड 90 ऐसे बीपी रहता था मेरा। तो ये सब प्रॉब्लम थी। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर भी किया था मेरा बीपी बहुत लो है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे ऐसे आपके साथ व्लॉग्स डालती थी, बट हाँ मैंने बताया नहीं था। तो हाँ मैंने बताया इसलिए भी नहीं था, ये भी बताती हूँ मैं आज आपको। आप इतने खुद ही डरे हुए थे, मैं इतनी खुद ही डरी हुई थी कि पिछले बार ऐसा हो चुका है, अब कहीं मैं खुद ही श्योर नहीं थी, एक बार मैं माइंडसेट कर लूँ। मैंने कहीं नहीं बताया था, मैंने ससुराल में नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया, मायके में, फ्रेंड्स को, कहीं कुछ नहीं बताया था। तो मतलब मैं खुद ही पहले, एक बार उम्मीदें हो जाती हैं, जब वो उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। तो ये दुख कभी किसी को ना हो, हर माँ को इस ब्लेसिंग से भगवान नवाजें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं विश करूँगी, आशा करती हूँ। सब जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि मेरे लिए प्रे करो, सो मैं प्रे करती हूँ कि हर एक औरत की लाइफ में ये पार्ट आए, और ज़रूर आना चाहिए। तो हाँ मैं बता रही थी आपको कि मैं सारा दिन सोती रहती थी, मेरा सारा टाइम सोने में ही जाता था, ये हो गया। फिर हाँ आप लोग पूछें अगर कि मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होती थी, नहीं होती थी, तो नहीं, मुझे कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुई अभी तक, टच वुड, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं हुई थी और अभी भी नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी है ये पहले वाले से बहुत डिफरेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी फर्स्ट जो बेटी है, डॉटर है, उस टाइम पे क्या था, तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी वो फेज़ कैसा था। एंड ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ, सो यही है। अच्छा, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि लोगों ने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर शेयर किया है, तो मुझे लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए, और इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये 3 महीने मेरे बहुत ही तकलीफ़ में गए हैं, मैं बोलूँगी मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट वाले जो थी लाइफ का फेज़ था, वो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा था। 3 महीने मैंने बहुत मुश्किलों से इसे काटा है, ना सिर्फ 3 महीने, और आगे की क्या बात है अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप
मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये तो मैं आप डॉक्टर को मैंने दिखा दिया 6 हफ्ते में। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप स्कैन भी किया, उन्होंने स्कैन वगैरह सब कुछ किया, वो स्कैन हो गया, उसमें हार्ट बीट आ गई, ठीक है, बच्चे की हार्ट ठीक आ रही है। तो ठीक है, ओके, फिर भी मैं घर आकर के मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ससुराल में भी, क्योंकि जब आपको उम्मीदें हो जाती हैं फिर उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, इसीलिए घर पे मैंने नहीं बताया। वर्मा जी ने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, डॉक्टर ने भी बोला था अभी आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद आप अपने घर में इन्फॉर्म करिएगा। तो फिर ये हो गया। उसके बाद 3 मंथ्स में एक और चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, मैं गई थी। 3 महीने वाला अल्ट्रासाउंड जो था, डबल मार्कर वो बोलते हैं उसे, तो उसको डॉक्टर ने मेरा किया। तो जब डॉक्टर ने वो मेरा किया तो उसमें फिर प्रॉब्लम, मतलब नहीं, हाँ, जब उन्होंने वो किया तो देखा सब कुछ ठीक था, और देखा चेक किया तो उसमें ये हुआ कि बेबी की ग्रोथ थोड़ी कम है। जब ग्रोथ थोड़ी कम है तो फिर वही माइंड में आ गया कि ये क्या हो गया, मतलब टेंशन हो जाता है ना आपको, कुछ भी प्रेगनेंसी के टाइम कुछ भी आपको होता है, आपके बेबी को कुछ होता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। सो मुझे फिर से अगेन टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया, अच्छा खासा टाइम चल रहा था। फिर तो फिर उन्होंने मुझे बेबी ग्रोथ के लिए, डॉक्टर ने बोला आप प्रोटीन पाउडर पियो, तो मुझे प्रोटीन पाउडर दे दिया। मैं मतलब चेकअप वेकअप करा के आ गई, और फिर सप्लीमेंट्स तो जो चल रहे थे तो चल ही रहे थे। अब ग्रोथ क्यों कम हो गई, मतलब क्या हो गया, मैं खा भी रही हूँ पी भी रही हूँ, बट हाँ मेरा वेट इतना नहीं बढ़ रहा था। आप लोग मतलब जो देखते हैं वो भी मुझे बोलते हैं कितना वेट तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है, फेस नहीं लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो ऐसे करके, तो वो तो खैर सेकेंडरी बात है, बट मेरी ग्रोथ नहीं हो, बेबी की ग्रोथ हो, हर माँ ये चाहती है। सो यही था मेरा भी कि मेरी नहीं ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मुझे मोटा होके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। सो ये था। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला आप ये प्रोटीन पाउडर पियो, और फिर उसके बाद आप दिखाने आइए 2 हफ्ते के बाद। तो फिर जब मैं घर आई तो फिर ये हुआ कि अब चेकअप हो गया है, सब ठीक है, बेबी ग्रोथ कम है, बट अब हमें घर पे बता देना चाहिए, क्योंकि हमारा मेरा तीन सवा तीन महीना ऑलमोस्ट हो रहा था। सो मैंने घर पर बता दिया अपने ससुराल में, मम्मी पापा सब खुश हो गए, इन लॉज खुश हो गए सबको, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स को पता चलने लगा, सब ने कॉल करके कॉन्ग्रेट्स किया, खुश हुए, सब अच्छा था। फिर दवाई या वो प्रोटीन पाउडर चल रहा था, तो प्रोटीन पाउडर पी करके जब मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर उन्होंने फिर से चेकअप किया और देखा कि अभी ठीक है, पहले से ग्रोथ जो है वो ठीक है, थोड़ी जान में जान आई, चलो एटलीस्ट अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी थोड़ी सी खुशी मिलना शुरू हुई है। सो तब भी मैंने यूट्यूब पर डालने का नहीं सोचा, क्योंकि पता नहीं, मतलब मैंने नहीं तब भी वीडियो नहीं डाला, बस नहीं डाला तो नहीं डाला, तो ये था। एंड हाँ, मैं अब आपको ये बोलूँगी कि जो मेरा एक फर्स्ट मंथ से 3 मंथ्स का जो मैं अब बोलेंगे कि मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, हाँ मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते थे, मुझे बहुत रोना आता था। मैं कभी तो खुश हो जाती थी, कभी बैठ करके मैं अच्छे अच्छे वीडियोस देख रही हूँ, खेल देखती थी तो अच्छा लगता था, हंसती थी उसे देख करके, पीहू के साथ खेलती थी तो खुश होती थी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अकेले बैठी हूँ और मैं अकेले ही रो रही हूँ, मतलब पता नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप आंसू आने लगते थे, और मैं अजीब अजीब टेंशन, अजीब अजीब ख्याल आते थे कि क्या क्या कैसे मैं करूँगी, दूसरा बेबी आ जाएगा, कैसे मैं उसको ध्यान दूँगी, ये सारी बातें सोच सोच के मुझे बहुत बहुत रोना आता था। अपने आप ऑटोमेटिक आंसू गिरे जा रहे हैं अकेले बैठ के, ये भी किसी के सामने नहीं, वर्मा जी के सामने नहीं, कुछ नहीं, इनको हो सकता है पता भी ना हो, और वो ये वीडियो भी देखेंगे नहीं तो उनको ये पता भी नहीं चलेगा। सो ये था। तो बस यही था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। खाने पीने के लिए मैं बोलूँ तो मुझे खाने पीने का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये खा लूँ मैं वो खा लूँ, मुझे कुछ भी मन नहीं होता था, बस यही लगता था हरी मिर्ची खा लूँ जिससे मेरी जीभ ठीक हो जाए, मतलब मेरा स्वाद इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि बहुत बुरा लगता था। और मैं
तीन महीने मैंने कुछ काम नहीं किया, बस मैं सिर्फ खाना जैसे तैसे बना लेती थी। झाड़ू पोछा बर्तन वाली तो मेड लगी हुई हैं, आंटी आती हैं करने। खाना बनाने के लिए भी मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता था, इतना अपने आप को सोचना पड़ता था, मोटिवेट करना पड़ता था, मुझे खाना बनाना है, खाना है, क्योंकि खाऊंगी नहीं तो फिर बच्चे को कैसे कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे उसकी ग्रोथ होगी। तो ये भी था मेरे कि खाना बनाना है, खाना है। सो इस तकलीफ़ के साथ मेरा ये 3 महीना जो है वो निकला। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था मेरे लिए, और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। स्टार्टिंग से ही ये था, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, हील में बहुत दर्द होता था, बहुत पेनफुल था। सो यही था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आई होप आप इससे कुछ रिलेट कर पाए होंगे, कुछ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, आप देखना चाहते हैं अगर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ इसका पार्ट 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर लेके आऊँगी अगर आप बोलते हैं तो। ओके, तो यही था। मुझे नहीं पता कितना बड़ा वीडियो हो गया है, 15-20 मिनट का हो रहा होगा। अब मैं इसको फटाफट से एडिट करती हूँ आप लोगों के लिए, और अपने चैनल पे इसको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।